नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG 2024 के सब्जेक्ट प्रेफरेंस पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और इसके बाद फिर सारी जानकारी हम आपको देंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG 2024 का सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो नोटिस आई थी उसके हिसाब से इस बार नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट प्रेफरेंस के लिए साइट पे अब एक तरीके से शो करने लगा है कि किस तरीके से सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट होगा। जो भी नए छात्र हैं, सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कवरेज अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ आप पूरा का पूरा देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस का जो इशू था वो अब इशू सॉल्व होते दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले पेमेंट का इशू था। फीस पेमेंट जिन बच्चों का बी और बीएससी में नहीं था वो अब पेमेंट उनका सॉल्व हो चुका है और अब साइट पे दिखाने लगा है। जब आप साइट पे क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस की भी सूचना आपको एकदम साफ तौर पे अब मिल जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो CUET UG 2024 के बच्चे हैं वे बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपका कब होगा। 24 तारीख और 25 तारीख को होगा, यानी कि सब्जेक्ट कोर्सेज विल ओपन फॉर टू डेज, 24-25 प्रेफरेंस सेलेक्शन विल नॉट ओपन बियॉन्ड दीज डेज। यानी कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस को चुनने के लिए आपके पास सिर्फ दो दिन का समय रहेगा और वो दो दिन कौन से हैं, 24 अगस्त और 25 अगस्त। देखिए, वरीयता चयन 24 और 25 तक दो दिनों के लिए खुला रहेगा, इन तिथियों के बाद ये नहीं खुलेगा। इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है वो दो दिन के लिए आपको मिलेगा सेलेक्ट करने का, 24 अगस्त को और 25 अगस्त को। इसके पहले जो डेट आई थी उसमें लिखा गया था कि 20-25 तक, तो दो दिन आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। प्रेफरेंस पे मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हैं, एक बार जान लीजिए, प्रेफरेंस पे कई सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं। वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन हमने बता दिया है, जो जो कॉम्बिनेशन है आपका ये काम है कि आगे आने वाले कल के दिन आप अच्छे से बैठ के, आज के दिन आप अच्छे से बैठ के सेलेक्ट करिए कि आपको कौन सा प्रेफरेंस सबसे पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस का जो मामला है वो ये मामला यही है, अभी आपको 24 एंड 25 के बीच में अब ये लिंक कैसे आएगी, कहाँ से होगा, वो आपको साइट पे मिल जाएगा। लेकिन अभी सूचना यही है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस की अपडेट ये है। इसके बाद फिर इसमें आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। बीएससी में मैथ में 7 कॉम्बिनेशन है, बीएससी बायो में शायद 5 है, जो भी होगा उसमें देख लीजिएगा, और बीए में शायद आपको 20 प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि 20 पिछली साल शायद 20 ही सेलेक्ट किया जाता था, 20 सेलेक्ट करेंगे आप। तो इस पे ध्यान देना है कि क्रमशः, यानी कि क्रमशः मिलेगा। मान लीजिए पहला भर गया, दूसरा अलॉट हो गया, तीसरा भर गया, चौथा ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा। तो इसको चुनने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। सिर्फ बीएससी मैथ एंड बीएससी बायो और बीए कोर्स के लिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको चुनना है। इसके बाद जो भी और कोर्सेज के विद्यार्थी हैं उनको कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ दो ही कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस चुनना है। सब्जेक्ट प्रेफरेंस कब चुनना है आपको, दो दिन का टाइम आपके पास सिर्फ रहेगा, 2 डेज का टाइम रहेगा, और 24 अगस्त और 25 अगस्त को आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। यू हैव ओनली 2 डेज टू चूज सब्जेक्ट प्रेफरेंस। ये पूरी की पूरी अपडेट है और साइट में जो भी दिक्कत थी वो सॉल्व हो चुकी है और ये बहुत बड़ी अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, लगातार जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी बहुत शानदार तरीके से मिलेगी।